नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। नसीरुद्दीन शाह ने अभी एक रिसेंट में वीडियो रिलीज़ किया जिसमें कैसे उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को चेतावनी भी दी और एक तरीके से सलाह भी दी कि जो आप लोग जश्न मना रहे हो तो थोड़ा कंट्रोल करो, चाहते हो कि अगर पुराना वापस आ जाए इस्लाम जैसा पहले था। तो वो सोच त्याग दो, मॉडर्निटी की तरफ पढ़ो, क्योंकि हिंदुस्तान का इस्लाम, मुसलमान नहीं बोला, हिंदुस्तान का इस्लाम बाकी दुनिया के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है, अलग रहा है, ठीक रहा है, उनका कहना चाहते होंगे शायद। तो अब पहले सुन लीजिए थोड़ा सा, बहुत शॉर्ट है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इकदार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है, मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। इनकी लगभग हर बात से मैं सहमत हो सकता हूँ, लेकिन जो लास्ट वाली बात बोली उसमें थोड़ा सा ट्विच है, क्योंकि ये भी मॉडरेट वाले हैं और ये वही पेड़ हैं जिसके पीछे भेड़िए छुपे रहते हैं, मतलब इस कैटेगरी के लोग ये वही पेड़ होते हैं और फिर घात लगा के शिकार हो जाता है। तो जो ट्विच इन्होंने दे दिया, उन्होंने बोला हिंदुस्तान का इस्लाम, हिंदुस्तान का इस्लाम नहीं हो सकता। पहली चीज, हिंदुस्तान का इस्लाम किस किताब से आया है आप बताने का कष्ट करिए सर, या कोई देख रहा हो उनसे सहमत हो रखने वाला व्यक्ति, हिंदुस्तान का इस्लाम कहाँ से इंस्पायर होता है, हिंदुस्तान का इस्लाम कब बना, कब पैदा हुआ, हिंदुस्तान का जो इस्लाम है उसकी आइडियोलॉजी किस चीज़ के ऊपर आधारित है, कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से पनपी है, उसका और पूरी दुनिया के बाद बाकी दुनिया के इस्लाम में क्या फ़र्क है बताएं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में जो है वही यहाँ भी है। हिंदुस्तान का मुसलमान अलग हो सकता है क्योंकि उसको यहाँ पे इन्वायरमेंट अलग मिला, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी मिली, क्योंकि यहाँ पे दबने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे हम लड़ के अभी भी 80% बच गए, तो आप सहम गए कि ठीक है जो नहीं दब सकता उसको दबाया भी नहीं जा सकता। थोड़े कड़े शब्द हैं लेकिन सच्चाई यही है। दूसरी चीज़, सबको भाग के हिंदुस्तान में ही आना, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे अफगानिस्तान वाले हों, चाहे पाकिस्तान वाले हों, सबको यहीं रहने का मन करता है। किसी को पूरी शरिया लॉ नहीं चाहिए, किसी को वो कड़ा कानून नहीं चाहिए जो किसी की छोटी छोटी बात पे महिलाओं को सड़क पे उतार के उनको मारना पीटना शुरू कर दे, बात बात पे महिलाओं को स्लेव बना ले, बेचना शुरू कर दे, मारना पीटना, गला काटना, हाथ काटना, इस्लाम छोड़ने पे वाजिबुल कत्ल हो जाना, ये सब चीज़ें इस्लाम में हैं और लोग इनसे जब भागते हैं तो उनको भारत ही आना पसंद है, तो वो यहाँ सेफ़ फील करते हैं। और जब यहाँ हमने वैसी ताकतों को नहीं पलने दिया जो प्रॉपर शरिया लॉ या रेडिकल इस्लाम को पनपाएं और बड़ा बनाएं, और हम हमेशा लड़ते आए और लड़ने की आदत है इस अधर्म से, तो यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी का मुसलमान पैदा हो गया जो सोचता है कि इस्लाम ही अलग चीज़ है, बिल्कुल भारत का इस्लाम, हिंदुस्तान का इस्लाम। ऐसा कुछ नहीं है साहब, इस्लाम पूरी दुनिया का एक ही है, ये बाकी मुसलमान भी आपको कहेंगे, अगर आपको जो क्रिटिसाइज़ करेगा ना आपको कहेगा पूरी दुनिया में इस्लाम एक ही है, हिंदुस्तान का इस्लाम कोई स्पेशल इस्लाम नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान स्पेशल मुसलमान हो सकता है क्योंकि उसको इन्वायरमेंट डिफरेंट मिला है। और वीडियो में जाते थे पूछना चाहता हूँ आपके बोल इतने बदले बदले से क्यों हैं, क्योंकि असली इस्लाम का चेहरा सामने आ गया है तो आप इस्लाम को डिफेंड करने आ गए हैं कि नहीं मैं लीपापोती कर देता हूं। तो सर, जहां हजारों लाखों की तादाद में अफगानिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं और जो तालिबानी और आईएसआईएस मिलकर कर रहे हैं, जो चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, असली चेहरा दिखा रहे हैं, तो आपके एक के लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। और आप लोग उसी कैटेगरी वाले हैं ना जो बात बात पे इस्लाम पे कुछ आँच उठती है, मुसलमानों पे कुछ बात आती है तो अवार्ड वापसी, देश छोड़ के चले जाने का मन करता है, नफरत का माहौल हो रहा है, खतरा है, डर लग रहा है, तो ये बोल कहाँ से आए? शायद आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी असली डर की, शायद आपको पता चल गया है इस्लाम की असली डेफिनेशन क्या है और ये दुनिया जानने लग गई है कि इस्लाम के नाम पे क्या क्या किया जा रहा है अफगानिस्तान में। खैर, इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई मेरा जवाब देना चाहता है तो कमेंट में बता दे,
कि हिंदुस्तान का इस्लाम कैसे अलग है और क्या इस्लाम वाकई हर दुनिया में अलग अलग होता है। यूरोपियन वर्ल्ड में अलग होगा, अरब वर्ल्ड में अलग होगा, एशियन कंट्रीज़ में अलग होगा और इंडिया में तो सबसे अलग होगा, ऐसा कुछ है। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।